डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। हम सब जानते ही हैं कि हमारे देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने बहुत से आंदोलन किए जिससे अंग्रेजों को अंत में देश छोड़ना ही पड़ा। भारतवासी प्यार से महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं। उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भारत को आजादी दिलाई, कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। महात्मा गांधी के बारे में यूं तो हम कई बातें जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनसे हम अनजान हैं। आइए जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ ऐसी ही अनजान बातें। महात्मा गांधी बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। धन का कभी भी लालच नहीं करते थे। वकालत के पेशे में सिर्फ वही मुकदमे लेते थे जो सच्चे होते थे। बुरे और बेईमान लोगों का मुकदमा नहीं लिया करते थे। महात्मा गांधी की शादी मई 1883 को 14 साल की आयु में कस्तूरबा से कर दी गई। उस समय कस्तूरबा गांधी की आयु मात्र 13 वर्ष थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने ही दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हवाई जहाज से यात्रा नहीं की। आपको बता दें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब कुछ अंग्रेज पत्रकार महात्मा गांधी का इंटरव्यू लेने आए तो इस पर महात्मा गांधी हिंदी में बोले, मेरा देश अब आज़ाद हो गया है, अब मैं अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में ही बात करूँगा। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार से नामांकित किया गया था। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले उनकी हत्या हो गई थी, इसलिए नोबेल कमेटी ने पुरस्कार उस साल किसी और व्यक्ति को नहीं दिया। ट्रेन से यात्रा करते समय एक बार महात्मा गांधी का एक जूता नीचे गिर गया। उन्होंने अपना दूसरा जूता भी फेंक दिया। जब बगल के यात्री ने कारण पूछा तो वे बोले, एक जूता मेरे किसी काम नहीं आएगा, कम से कम मिलने वाले को 2 जूते पहनने का मौका मिल जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी है। महात्मा गांधी ने 4 महाद्वीपों में और 12 देशों में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन भारत आजादी का जश्न मना रहा था उस दिन महात्मा गांधी वहां मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि उस दिन उनका उपवास था। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी शव यात्रा में 10 लाख लोग शामिल हुए। 15 लाख लोग शव यात्रा के रास्ते में खड़े हुए थे। उनकी शव यात्रा भारत के इतिहास में सबसे बड़ी शव यात्रा थी। लोग खंभों, पेड़ और घर के छतों पर चढ़कर बापू को बस एक नजर देखना चाहते थे। महात्मा गांधी के नाम पर भारत में 53 प्रमुख सड़कें हैं और विदेशों में 48 प्रमुख सड़कें हैं। महात्मा गांधी ने डरबन, प्रिटोरिया और जोहानसबर्ग के फुटबॉल क्लब की स्थापना करने में सहयोग किया था। दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने के बाद महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए थे। इसकी शुरुआत बापू ने बिहार में चंपारण आंदोलन से की थी। बिहार के चंपारण ने ही महात्मा गांधी को महात्मा बनाया था, लेकिन चंपारण ही बापू का कर्म क्षेत्र नहीं रहा। चंपारण आंदोलन के कुछ दिन बाद महात्मा गांधी बिहार के भागलपुर आए थे। यहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को तैयार किया था। सन 1934 में बिहार में आए भूकंप से भागलपुर सबसे ज्यादा प्रभावित था। कांग्रेस द्वारा पीड़ितों के लिए राहत कार्य जारी था। ऐसे में राहत कार्य को देखने के लिए बापू भी सहरसा से बिहपुर होते हुए भागलपुर पहुंचे थे। भागलपुर के राजपथ पार्क में गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए राहत कार्य में सहयोग करने और भूकंप पीड़ितों की मदद करने की अपील की थी। लाजपथ पार्क में आयोजित सभा के दौरान स्वयंसेवकों ने झोली फैलाकर लोगों से चंदा एकत्रित किया था। इस सभा में ऐसे बहुत से लोग थे जो गांधी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इन लोगों को अपना ऑटोग्राफ 5-5 रुपए में बेचने की शर्त रखी। ऑटोग्राफ बेचने से मिले पैसों को बापू ने भूकंप पीड़ितों को मदद के लिए दे दिया। भागलपुर में गांधी जी दीप नारायण सिंह के घर पर ठहरे थे। इसी तरह महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जो उन्हें एक महान इंसान बनाते हैं। अमर उजाला.com